कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और आज ना हमारे घर में हो रही है सफाई, तो सफ़ेदी हो रही है, और कोई इधर लग रहा है, कोई इधर लग रहा है, कोई इधर लग रहा है, तो सब काम पे लगे हुए हैं। इधर आंटी लगी हुई है, फिर भैया, अंदर दीदी। दीदी खाती हूँ आपको। आज सफ़ेदी चल रही है दिवाली के लिए, तो सुबह से लगे हुए हैं करीब 11 बजे से। अभी 3 बजने वाला है, अभी चल ही रहा है काम। आंटी लगी है इधर धूल झाड़ने में, और इधर इस दीवार में सब कर दिया है, तो भैया कर रही है अभी स्टार्ट। इधर सेटिंग हो रही है, ठाकू कहाँ गया? यहाँ चल रही है सेटिंग, इधर भी, इधर होगी सफेदी हमारी, बस इधर होनी है। इसको खिसकाना है बेड इधर ऊपर, कुछ डालोगे या ऐसे ही रहेगा? गाइस बहुत लग रही है, ऐसा को लग रहा है। वहां बैग उठा हो, सो जगह हो जाएगा। अरे आप खाते हो जब बैठते हैं? हां, बीच खाली हो जाएगा। सही तो बात है, फिर बाल में सही हो जाए। हर जगह ध्यान से अभी हम खा रहे हैं मैगी, भूख लग गई है। खा ले बाबू। क्यों आंटी नहीं खा रहा मैगी? खा ले बेटा, खा ले बेटी, खा ले। इसको याद आ रही है, इतनी सफाई सफाई हो रही। और आंटी आ गई इधर, बेचारे आंटी भी हारती नहीं है, उसे काम करती है, सही करती है, मतलब इस ऐसे ही काम करते रहेगा। तो गाइज आज होगी है सफेदी, और आज घर पूरा वाइट वाइट, मतलब वाइट तो था ही, लेकिन आज और वाइट लग रहा है। तो इस वाली दीवार से भी हमने वो हटा दिया, हमने यहाँ पे लगाया था, तो ये वाला हटा दिया, मस्त लग रहा। अब पूरे घर की सफाई हो गई है, दिवाली की तैयारियाँ, और साकुर का चल रहा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। थोड़ा मेरे साथ दुकान चल दे, क्योंकि मुझे कुछ लाना है सामान, और उसके बाद मैं फिर कल बनाऊंगी थोड़ा बहुत, मुझे कुछ बनाना था, तो वही लेने के लिए बोल रही। बोल रहा नहीं मैं ही चलूँ हर जगह, तो गाइस मैं अकेले जाती नहीं हूँ, मैं इसको लेके जाती हूँ। चल देना, जाऊंगा ही नहीं। तो पहले उस दिन टीवी इस साइड लगाई थी, इस साइड उल्टा उल्टा लग रहा था, तो अब वापस से इसी साइड लगा दी है। ये ना थोड़ा ऊपर करते ना और अच्छा लगता, ऐसे ठीक लगता, थोड़ा उधर 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 लाइट के थोड़ा नीचे। तो अभी नया खरीदा है, और इतना प्यारा है, मस्त लग रहा। और इधर पूरा घर जो है आज साफ साफ सा लग रहा है, मस्त। साकु मेरे को बोल रहा है जल्दी ब्लॉग बनाओ, ख़त्म करो। तो मैं ख़त्म क्या करूँ ब्लॉग, और वैसे भी बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ, क्योंकि मेरे को कितने दिन बुखार था। इधर मुझे दिखाना करेंगे। तो गाइज बेड इस तरह शिफ्ट कर दिया मम्मी, और टीवी यहाँ लगा दी, पूरा इस तरफ शिफ्ट कर लिया इन्होंने। देख इधर क्या जम रहा है, ये सही लग रहा है ना, जम। और सड़ा हुआ तो फेंक दो अब। हाँ फेंकेंगे। ये देखो ये पूरा स्टैंड लगा दिया, ड्रॉवर ब्रोड लगेंगे, ऊपर कुत्ता बैठा है, हिरन बैठा है, गणेश जी बैठे हैं, टेडी बेयर बैठा है, तो प्यारा लग रहा अब। ओए डोरेमोन का बिठा दियो, गई डोरेमोन बनाया था मैंने यहाँ, बट वो दिख भी नहीं रहा है, तो पुद्दू सू, और गणपति को तो बाहर रख देते हैं। तो गाइस इतने प्यारे प्यारे बनाए मैंने, अंदर घुसेड़ रखे हैं, वो दिख भी नहीं रहे। अब मैं इसको ऊपर लगाऊंगी, तो मैंने इधर लगा दिए, और यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये वाला लिया है नया, कितना प्यारा लग रहा है ये, और इसमें काफ़ी सामान भी एडजस्ट हो गया, जो हमने वेस्ट चीज़ें रखी थी वो सारी हटा दी इधर से, और ये इसमें आ गई। और ये तो कहीं ना हटती है, नाक की दवाई ये रहती रहती है। तो ये टीवी इधर आ गई, और इधर खाली हो गया, अब इधर कुछ नहीं है। क्या? इधर इधर क्या आएगा अब? इधर सोफा आएगा, इधर फिर बाहर ही पुराना सोफा फेंकेंगे ना। मैं मार्केट से आ गई हूँ, और सदर में ना पैर रखने की जगह नहीं है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो सामान मैं ले आई, तो सामान तो वहाँ बहुत अच्छा मिलता है, दिखाती हूँ आपको क्या क्या लाई हूँ मैं। सॉक्स है जेंट्स की, भाइयों के लिए लाई हूँ,
तो ये 120 के हैं 12 जोड़ी, तो 120 के 12 जोड़े हैं ये। ये लेके आई हूँ मैं, और दो पापड़ लाई हूँ 10-10 की, और ये लाई हूँ गरम मसाले, इसमें भी गरम मसाले लाई हूँ मैं, ये मैं मसाला तैयार करने के लिए लाई हूँ। तो ये लाई हूँ मैं दालचीनी, और ये है छोटी इलायची, काली मिर्च, लौंग, ये मैं मसाला बनाने के लिए लाई हूँ, चाय का मसाला। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है मेरी खांसी की दवाई, मुझे खांसी हो रही है बहुत गंदी वाली, और वो भी रात को सोते टाइम ही हो रही है, पूरी रात कल सोई नहीं हूँ मैं, इसलिए मैं लेके आई अभी। और ये मैं मम्मी, दीदी और सुमन के लिए लाई हूँ, ये भी ये तो 150 के हैं 12 जोड़े, तो मैंने सोचा इकट्ठा ही ले लेती हूँ, उनको दे दूँगी जितने भी पहुँचेंगे। और ये लाई हूँ मैं, ये भी जेंट्स के हैं। और ये जैकेट लाई हूँ मैं गाइस, ये जैकेट बहुत प्यारी पड़ी वहाँ पे, 300 की जैकेट है ये, भाई लोगों के लिए, तो ये लेके आई हूँ। और चार कप लाई हूँ मैं बड़े वाले, ये चार कप मैं स्पेशली कॉफ़ी पीने के लिए लाई हूँ, ये तो चार लेके आई हूँ। और एक ये सूट सही पड़ी थी मेरे को 300 रुपये की, और इसका कलर मुझे अच्छा लगा पिंक कलर, और इसका आजकल ना ये वाला गला चल रहा है, तो इसलिए मैं ले आई 300 का, सागर ने बोला अच्छा लग रहा है सब ले लिया। और ये लेके आई हूँ दीदी के लिए गरम सूट, ये गरम सूट है 650 का, तो दो लाई हूँ मैं, एक सोमन के लिए एक दीदी के लिए, तो उधर पहाड़ में ना बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, तो इसलिए मैं ये लेके आई, प्लाजो सूट है ये, और ये पूरा गर्म होता है। तो एक ये है, ये इसका कुर्ता है, बहुत प्यारा, कलर भी सही था मुझे, और कलर चटपट वाले अच्छे नहीं लगते, डार्क डार्क में लाइट शेड अच्छी लगती है, तो ये गर्म होती हैं। तो दो लाइए दीदी के लिए, एक सुमन के लिए, मम्मी के लिए तो गर्म पेटीकोट और ब्लाउज ले लिए थे, तो मैंने सोचा पूरा सेट ही हो जाएगा, ये तो हो चुका है घर का थोड़ा थोड़ा सामान, इसमें तो जैकेट वगैरह ही ऐसे रहने देती हूँ। और एक इस कलर की है, ऑरेंज कलर की, ग्रे और ऑरेंज, वैसे ये है। तो फाइनली शॉपिंग हो गई है थोड़ी थोड़ी,